नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। नागों के बारे में वेद पुराणों महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। नागों में अलौकिक शक्तियां खासकर इच्छाधारी होने की शक्ति मानी गई है। कहा जाता है कि शेषनाग के फन पर धरती टिकी हुई है। हिंदू धर्म में शेषनाग को भगवान श्री हरि विष्णु का सेवक माना गया है। क्या आप शेषनाग और नागों की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं? यदि नहीं तो आइए आज आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करते हैं। आदि काल में थी ये प्रमुख जातियाँ। प्राचीन काल में अधिकतर लोग हिमालय के आसपास ही रहते थे। वेद पुराण और महाभारत में भी नागों का उल्लेख पाया गया है। आदिकाल में प्रमुख रूप से देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, भल, वसु, अप्सराएं, पिशाच, सिद्ध, मरुदगण, किन्नर, चार्ण, भाट, किरात, रीश, नाग, विद्याधर, मानव, वानर का उल्लेख है। इनमें से कुछ जातियां तो भरपूर अलौकिक शक्तियों से संपन्न थी। नागों में सबसे महत्वपूर्ण नाग शेषनाग माना गया है। क्या शेषनाग सांप है या मनुष्य? नागों के बारे में यह प्रचलित है कि नाग इच्छाधारी भी होते हैं, जो कभी भी इंसान का या फिर नाग का रूप धारण करने में सक्षम होते हैं। शेषनाग क्या सचमुच में हजार फन वाले सांप थे या फिर मनुष्य? इस पर हमेशा चर्चा जारी रही है। यह शोध का विषय माना गया है। शेषनाग के बारे में यह भी कहते हैं कि वह एक हजार भाई थे। यह भी कहते हैं कि वह अपनी इच्छा से नाग का रूप धारण करने की क्षमता रखते थे। शेषनाग के बारे में कहा जाता है कि इन्हें के फन पर धरती टिकी हुई है। समुद्र के भीतर से प्रकट हुई महाद्वीप वाली धरती पूर्वा काल में शेषनाग की तरह ही दिखाई देती थी। पुराणों के अनुसार नागों का पाताल लोक में वास होता है। यह भी मान्यता है कि शेषनाग के हजार मस्तक हैं। इनका कहीं अंत नहीं है, इसलिए इन्हें अनंत नाग के नाम से भी संबोधित किया जाता है। कश्यप ऋषि के सबसे बड़े पुत्र थे शेष। प्रजापति दक्ष की कन्या कद्रु और ऋषि कश्यप से संपूर्ण नाग जाति का जन्म होना माना गया है। कद्रु को इसलिए नाग माता के नाम से भी जाना जाता है। ऋषि और उनकी पत्नी कद्रु के बेटों में सबसे बड़े बेटे नागराज बेहद पराक्रमी थे। कश्मीर का अनंतनाग जिला इनका गढ़ माना गया है। नागराज अपने पारिवारिक कलेश के चलते अपने परिवार का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। भगवान श्री ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया, साथ ही उन्हें भगवान विष्णु का सेवक भी बना दिया। इसे नागराज ने अपना सबसे बड़ा पुण्य समझा। वहीं शेषनाग के जल लोक में जाते ही परिवार ने उनके स्थान पर उनके छोटे भाई वासुकी का राज्य तिलक कर दिया। सबसे खास बात यह है कि पुराणों में सात पातालों अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल का उल्लेख मिलता है। सुतल नामक पाताल में कश्यप की पत्नी कद्रु से पैदा हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधव नामक एक समुदाय रहता है। उनमें कहुक, तक्षक, कालिया और सुषेण प्रधान नाग हैं। भगवान शिव की बेटी देवी मनसा भी है नाग माता। भगवान शिव की बेटी देवी मनसा को भी नाग माता कहा जाता है, जिनका विवाह जर्तकारु नाम के ऋषि के साथ हुआ था। एक समय राजा जनमेजय ने अपने पिता के नाग दंश से मृत्यु हो जाने पर नागों को भस्म कर देने वाला नाग यज्ञ करवाया। इस यज्ञ में सभी नाग गिरकर भस्म होने लगे। तब देवी मनसा के पुत्र आस्तिक ने उपाय कर नाग यज्ञ को बंद करवा नागों की रक्षा की। तब से देवी मनसा को नाग माता के रूप में पूजा जाने लगा। नागों के नाम से स्थापित हैं कई शहर व गांव। नाग प्रजाति के 12 नाग हैं। इनमें अनंत, पुलिक, वासुकी, शंखफला, पदम, महापदम, तक्षक, ककोर्टक, शंखचूड, घातक, विषधान और शेषनाग प्रमुख हैं। भारत में अनंत, वासुकी, तक्षक, कारकोटक और पिंगला प्रजाति का वर्चस्व है। नागवंश इनसे ही चलता है। महाभारत काल में पूरे भारतवर्ष में नागा जातियों के समूह फैले हुए हैं। विशेष तौर पर कैलाश पर्वत से सटे हुए इलाकों में असम, मणिपुर, नागालैंड तक इनका प्रभुत्व था। यहाँ के लोग सर्वपूजक होने के कारण नागवंशी कहलाए। यह भी माना जाता है कि यह प्रजाति कश्मीर से संबंधित है। कश्मीर का अनंतनाग इलाका इनका गढ़ माना जाता है। कांगड़ा, कुल्लू व कश्मीर सहित कुछ अन्य पहाड़ी इलाकों में नाग ब्राह्मणों की एक जाति आज भी मौजूद है। तक्षक प्रजाति ने ही तक्षिला बसाकर अपने कुल को चलाया था। अथर्ववेद में भी कुछ नागों के नामों स्वज, प्रदाक, कलमाश, ग्रीव, चित, कोबरा, काला फनीर का उल्लेख है।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी नल और नाग वंश तथा कवर्धा के फणी नाग वंशियों का उल्लेख मिलता है। नाग वंशियों ने भारत के कई हिस्सों पर राज किया। कई शहर और गांव नाग शब्द पर आधारित हैं। महाराष्ट्र का नागपुर शहर सर्वप्रथम नाग वंशियों ने ही बसाया था। वहां नदी का नाम नाग नदी भी नाग वंशियों के कारण ही पड़ा। सो दोस्तों, यह थी शेष नाग और नागों की उत्पत्ति से जुड़ी जानकारी। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।